नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मेडिसिन नॉलेज चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अनु कुमार, मैं आज आपको न्यूरोबियम 40 टैबलेट के बारे में फुल जानकारी बताएंगे। इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। एलोपैथिक दवा है, इसका निर्माण ट्रेड कंपनी बनाती है। इसका प्राइस 30 रुपए 61 पैसे में मिलता है। न्यूरोबियम 40 टैबलेट में साल्ट यानी इंग्रेडिएंट्स थियामाइन मोनोनिट्रेट 10 mg मिला है, रिबोफ्लाविन 10 mg मिला है, पायरोडेक्सिन हाइड्रोकोलाइड 3 mg मिला है, साइनोकोबलामिन 15 माइक्रोग्राम मिला है, निकोटिनामाइड 45 mg मिला है, कैल्शियम पेंटोथेनेटी 50 mg मिला है। न्यूरोबियम 40 टैबलेट या किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? न्यूरोबियम 40 टैबलेट का प्रयोग पोषण की कमी, मुंह के छाले, मसूड़ों से खून आना, विटामिन बी की कमी, नसों में दर्द, कमजोरी दूर करने के लिए, खून की कमी पूरा करने के लिए, कील मुहासे और चेहरे को मुलायम करता है। खासकर गर्भवती महिला को भी दिया जाता है और हड्डी को भी मजबूत करता है। न्यूरोबियम 40 टैबलेट की कितनी खुराक ली जानी चाहिए? इस दवा को एक टैबलेट दिन में एक बार ली जानी चाहिए, खाना खाने के बाद ली जानी चाहिए। अगर आप और भी कोई हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लेकर इस दवा का सेवन करें, क्योंकि उस दवा में भी ये साल्ट यानी सप्लीमेंट हो सकते हैं और आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी डबल डोज हो सकते हैं। न्यूरोबियम 40 टैबलेट सेवन करने से साइड इफेक्ट होते हैं, तो हम साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। हम सभी को पता है कि दवा के फायदे के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे चक्कर आना, सर में दर्द, उल्टी, पेट दर्द, खुजली, लाल चकते, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। न्यूरोबियम 40 टैबलेट के सावधानी के बारे में जानते हैं। वैसे में ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और आपको एलर्जी रिएक्शन होता है किसी विटामिन से तो इस दवा का सेवन न करें और डॉक्टर के सलाह से सेवन करें। और आपको एलर्जी रिएक्शन होने से आपके शरीर में लाल चकते और खुजली हो सकते हैं, यानी जो काफी गंभीर हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इस दवा का ओवरडोज ले लिया है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और उसे इलाज कराएं और घर बैठे बैठे हमसे सलाह ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।